मशहूर होने के दो फवाद और दो नुकसान बताइए क्या होने के मशहूर फेमस <laughs>

करके मैं लड़ा थी हाँ। दूसरा आपको पता नहीं है आप नहीं पहुंच पाएंगे वापस नहीं नहीं, नहीं हम काम <laughs> का हम, बोरियों <laughs> बोरियों में जाया करेंगी आपकी चीजें यहाँ आप उनके साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते बचपन से देख रहे हालांकि मैं भी लेकिन नहीं किया ना नहीं किया आप दो बोरी आएंगे तमीज वाली लड़ाकर मतलब वजू वजू करके आगे पे लड़ती

आपको से लगता मैं <laughs> नहीं नहीं कोई बात नहीं वो बैटरी वाले भी तो सेल वाले भी तो होते किया जी, बिल्कुल, मैंने वो, वो, था, आ, के मेरे साथ ना आप कोई पेड़ ना रखें तो चूंकि मैं टीम में सबसे छोटी अच्छा माशाल्लाह मेरे जो लाचे थे ना वो माशाल्लाह जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती थी और फॉर्म के हम लोगों को पहनाते थे पजामे थोड़ी सी मोटी मोटी लगूं बड़ी बड़ी लगूं और खुस्सों के नीचे वो बड़ी बड़ी हीलें होती थी माशाल्लाह आपकी तरह बहुत वेरी गुड अच्छा हो गया लेकिन हुआ ऐसा सेट पे बहुत सारी ऑफरें आनी शुरू हो गई तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि शोबिस होता क्या मतलब कि पहले दिन पहले शॉर्ट में जो था ना मैं इस कदर बोर हुई इसका मुझे बुखार हो गया था मैं इतनी बोर हुई माहौल देख के सारा ना तो मैं करते करते काम करते करते फिर, कितने दिल दिल लग गया साइन भट्टी साहब ने मेरी कहा कि नहीं जी बच्चे आप काम करो बहुत अच्छा काम है क्योंकि सब, <laughs> सब, सब मुझे बड़ा प्यार करते थे तो मुझे एहसास हुआ की मैं अपनी फैमिली में हूँ अपने घर में हूँ फिर मैं साइन की करती रही करती रही करती करते 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 दो सौ फीचर फिल्म में काम अरे दो सो माशाल्लाह जिसमें मैंने दो चार सौ फिल्में छोड़ी अरे और हमारे जो यहाँ फिल्में बनती थी ना माफ़ी के साथ जो यहाँ फिल्में बनती थी वो एक दिन में हमें चार चार शूटिंग्स करनी पड़ती थी आप दिलीप साहब की बात कर रहे हैं अच्छा, अच्छा, वो तो वहाँ का तो असूल होता था कि एक साल की वो इतनी फिल्में साइन करेंगे हमारे यहाँ पर ये नहीं आप बड़ी एक्ट्रेस 400 काम करना कामयाब हुई मेरी छोड़े, छोड़ने वाली फिल्में। मैं तो नुमान साहब आपने मेरे ख्याल में कितने साल इंडस्ट्री को दिए अपने मुझे याद नहीं आ रहा मैं ये बता सकती हूँ कि मैं जब बच्ची थी तो मैंने काम शुरू किया जब मैं जवान हुई तो मैंने फिल्में छोड़ दी जवान हुई अब तो मैं मिचोर हूँ शायदा जी आखिरी फिल्म कौन से सन में की आपने मुझे सन नहीं याद आ रहा मैं वे फिल्में छोड़ना चाहती थी मैं की की 25 30 फिल्मों मैं छोड़ने की वजह जानना चाहती हाँ, बिल्कुल छोड़ने की वजह यही थी कि फिल्में बहुत बुरी उस वक्त बन रही थी अच्छी फिल्म आपने सोचा नहीं कि चले अगर फिल्म मेयारी नहीं बन रही या अप टू दैट मार्क नहीं बन रही तो मैं इसको छोड़ के टेलीविजन की तरफ आ जाऊँ क्योंकि स्टार्ट तो टेलीविजन से मेरा तो टीवी से स्टार्ट हुआ था और मैं उसके साथ आपको बता रही हूँ कमर्शियल भी करती थी तो टेलीविजन की तरफ नहीं आई दोबारा आई उसके बाद उसके दौरान मैं एज एक्टर हाँ हाँ अच्छा टेलीविजन कफस मैंने किया कफस किया अच्छा तो शायद जी म्यूजिक कब शुरू किया मैं आती हूँ अच्छा तो उसके बाद तो नहीं है तुम लोगों को तो बात करेंगे हाँ। उन्होंने पूछा जल्दी तो बहुत है तो ना, मैं ना। निकाल दूंगा क्लास फिर चाहता हूँ बात नहीं तुम तो बंद रखो सर ठीक, से ठीक है ठीक है मंच ही किया और एक तो किए फिर मुझे टाइम नहीं मिला मैं फिल्मिंग कर रही थी माशा जो हर इंसान ड्रीम करता है या सोचता है या खब देखता है एक आइडियल घर का खाब देखता है और अल्लाह तबारक वाली ने वो आपके नसीब में लिखा बेटी है डिजाइनर है बेटा है पढ़ रहा है तो उनमें से किसी को आगे शौक़ नहीं है इस, इस फनून लतीफ़ा की तरफ क्रिएटिविटी की तरफ आने का नहीं उनमें से किसी को भी शौक़ नहीं मेरी फैमिली में शोब इसमें सिर्फ मैं हूँ सैद फैमिली से मेरा तालुक है जहाँ पर हमारे औरतें काम नहीं करती रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ज्यादा करता सर वो कुछ पूछना चाह रही है देखिए मान लो समाज में नीचे कुर्सी पे बैठी एक सेकंड मेरी एक सेकंड बाद प्लीज थोड़ा सा ब्रेक दे। याद रखना अपना यार ये किथे स्टिक अपना सवाल याद रखिएगा। क्योंकि मैं बहुत जुनूनी थी वाह वाह

ऐसे गुजरता है कि अब तो वक्त मिलता भी नहीं है कि मैं कुछ अपनी नींद भी पूरी कर लूँ पूरी नहीं होती मैडम वो क्या उसकी क्या रीज़न है

जब बच्चे छोटे थे तो इतने इतना प्रेशर नहीं था मैं कहती कहते जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती बड़े होते हैं बच्चों के मैं अखलौती औलाद हूँ बहन भाई नहीं मेरा तो मुझे अपनी माँ को भी देखना पड़ता है मेरी माँ माशाल्लाह बड़ी फिट है ज्यादा स्मार्ट है बल्कि मेरी माँ के जूतों की तो फैल उनकी दुआओं की वजह से आज भी इस माम पर हूँ माशा वो अल्लाह करे की मेरी माँ जैसी सबकी माँ अगर मैं जब सोती हूँ ना सो रही हूँ तो अम्मी कहेंगी मुझे ऊपर आवाज़ आ रही थी मैं सो रही होती हूँ दिमाग मेरा जाग रहा होता है सोन सब रही होती हूँ कोई उच्चा ना बोले शायद उठ पाएगी अरे वाह उसकी नींद खराब हो जाएगी माँ है ना तो आप कहते थे मैं जाग रही हूँ

अव्वल तुम्हें उधार देती नहीं हूँ मेरी जिंदगी का असूल है उधार मोहब्बत की कैंची है ये बात किस हद तक दुरुस्त है दुरुस्त है। अच्छा, इतनी मेहनत की आपने हाँ। <laughs> <दुरुस्त>। <laughs> <इतनी एक्स्पेस्ट। laughs> अच्छा जवाब सब कुछ आ जाता है बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो आप बहुत मार तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई खाई नहीं जिंदगी में मुझे बस वो बाल पकड़ के झटके नहीं 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 हाँ। एक थप्पड़ पड़ा था पर, वो अम्मी से अम्मी से अम्मी से, से? जिंदगी में एक थप्पड़ और कभी मार नहीं खाई और पता है मार क्यों थप्पड़ क्यों पड़ा क्यों क्यों, क्यों 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 थप्पड़ इसलिए पड़ा था कि अम्मा कहती थी कि दूध जरूर पिया करो तो मैंने कहा नहीं दूध नहीं पीना अम्मी कहती बेटा पी लो मैंने अम्मी दूध नहीं पीना अभी जिद में आ गई ना अगर एक लपड़ पिया पी दो पीने ही के नहीं पीती <laughs> पी <लिया। laughs> मैं पीती हूं एलिया मैम अगर स्टाइलिस्ट बाल खराब कर दे जला दे या मेकअप खराब कर दे तो क्या रद्द अमल होता है आपका ओह माय गॉड अगर वो जला दे <laughs> मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था कभी तता? हुआ है ऐसा मैं? मेरे साथ हुआ है कि मैं हाइलाइट्स करवा रही थी क्या चीज तो मेरा वो कलर मुझे पसंद नहीं आया मैंने कहा ये आपने क्या कर दिया ये आपने बड़ा अजीब सा बना दिया ये तो हर औरत के इस कलर के बाल है तो मैं तो ये नहीं कराती मैं दूसरों से मेरा चाहे अच्छी लगू बुरी मेरा एक अपना बिल्कुल उसने फिर मेरा कलर चेंज कर दिया उसने फिर गलत कर दिया मैं तुम क्या कर रही हो भाई या बहन क्या करना है तुमने आज तीसरी बार उसने फिर हाईलाइट कर दी एक दिन में मेरे साथ ये जो हुआ ना आज जाकर मेरा वो रुका है कि मैं जैसे ब्रश करती थी मेरे हाथों में बाल आ जाते थे मेरे इतने बाल सर के उतरे उसके बाद कि मैं काफ़ी टाइम तक तो मैंने काम ही नहीं किया